पितृपक्ष 2023 29 सितंबर पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 अक्टूबर सर्व पितृ अमावस्या तक रहेंगे। कुंडली के पितृ दोष दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इन दिनों पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। पितृ दोष होने पर क्या होता है? जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिलता है या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाता है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधा आती है। घर में ज्यादा क्लेश झगड़े होते हैं। घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। गरीबी और कर्ज बना रहता है। अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी या बेटे की शादी में रुकावट आती है। पितृपक्ष उपाय। एक, पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें। साथ ही साल की हर एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करें। दो, पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगाजल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृ दोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। तीन, पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है। चार, किसी जरूरतमंद को भोजन, दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से पितर खुश होते हैं। ऐसा करने से पितृ दोष शांत होने लगता है। पाँच, घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं। रोजाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगे। कहते हैं इससे पितृ दोष का प्रभाव कम होने लगता है। छह, जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, उन्हें ये महा उपाय करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष खत्म होता है। सात, इसके बाद पेड़ के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें।